नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने गांव में हूं और मुझे आज मेरे घर से एक काम मिला है कि यहां पे कितना कद्दू है उसको ढूंढना है। और कद्दू को ढूंढ के गिनती करना है कि कितना अच्छा है और कितना ख़राब है। तो अभी तो 3 देख लिया मैं, आप भी देखते जाओ और गिनते जाओ, मुझसे कुछ चूक होगी तो बताना कितने कद्दू छूट गया। ये चौथा हो गया। गांव में जो अपनी बाड़ी है, बाड़ी उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग धान के कटाई के बाद धान का मिंजाई करने के लिए एक जगह बचा के रखते हैं, जिसमें कुछ कुछ लगा रहते हैं हम लोग बरसात में, जैसे कि खीरा, कद्दू, ककड़ी और रखिया, लौकी, तरोई, ये सब लगा के रखते हैं, उसको हम लोग बाड़ी कहते हैं। और जो लोग गांव के हैं वो समझते भी हैं। आज मुझे कहा गया है कि कितने कद्दू सही हैं और कितने ख़राब हैं। तो सही का तो ठीक है, ख़राब है उसका इसलिए गिनती करते हैं, उसको इसलिए हटाते हैं, निकालते हैं, क्योंकि उसमें जो रोगाणु हैं वो उसके तने में ना जाएं। तो आज मुझे एक कद्दू गिनने कहा गया है, तो मैंने अभी तक तो 10 कद्दू गिन चुका हूँ। और गांव में टाइम पास करने के बहुत सारे साधन होते हैं, उनमें से आप इसको भी एक समझ लो। ये नहीं रहता तो कुछ और करता रहता। आज गांव पहुंचा हूं बहुत दिनों बाद, तो कद्दू गिन रहा हूं। घर वाले बोले हैं कि कुछ काम बता देते हैं, फालतू बैठे हो। मैं बोला ठीक है, कर देता हूं। अब गलती होगी तो अलग बात है। तो एक डंडा ले लिया हूं बांस, जिस पे ढूंढ रहा हूं कद्दू को। हमारे खेत में धान लगा हुआ है, ये सिर्फ धान को कटाई के बाद जहाँ पे मिंजाई करते हैं वो जगह है। हम लोग बरसात में इसका भी उपयोग करते हैं, इसमें कद्दू, रखिया, लौकी, खीरा, ये सब लगा देते हैं। तो यहाँ पे कद्दू का 3 पौधा है, उनमें से 2 यहाँ पे है और 1 पीछे साइड है। अब इसमें मैं कद्दू देख रहा हूँ, तो इतना कद्दू तो मैं उम्मीद भी नहीं किया था। अभी तक मैं 17 गिन चुका हूँ, ये 18 भी हो गया। तो कद्दू को एक लकड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हाथ से निकालूंगा तो भाई भिला शहर में रहते हैं तो थोड़ा सा गांव का समझ नहीं आता है, डर लगता है सांप बिच्छू का। तो मैं एक लकड़ी रख लिया हूँ, उसी लकड़ी से इसके अलग अलग जगह को देख रहा हूँ कद्दू को। तो ये 22 कद्दू हो गया टोटल। आप भी गिनती करते जाइए, ये इतना कद्दू का तो उम्मीद ही नहीं था। मैं सोचा था 4, 5, 7 जितने भी होगा होगा, और हाँ बोल दिया, ये 24 हो गया। देखिए आप गिनते जाइए कद्दू, ये 25 बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना फलेगा उम्मीद ही नहीं था मुझे तो। और हम लोग ये कद्दू को सचमुच में बताएं कि इसको बेचते नहीं हैं, ये कद्दू हम लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं। हमारे घर में मान लो कद्दू है, तो किसी के घर में मान लो खीरा है, या किसी के घर में टमाटर है, या किसी के घर में कोई और सब्जी है, वो इसके बदले में हमको सब्जी दे के जाएगा। हम कद्दू का पैसा नहीं लेंगे, वो सब्जी का पैसा नहीं लेगा। इस टाइप से चलता है गांव में एक्सचेंज। तो महंगाई का असर शहरों में पड़ता है, हमारे गांव में तो ये सब महंगाई महंगाई का कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल का कीमत कितना है, डीजल का कीमत कितना है, आप निपटते रहो शहर वाले। हमको किसानों को मतलब गाँव के लोगों को ये सबसे मतलब नहीं है, हमारे फसल कितना हो रहा है उससे मतलब है। अब इस कद्दू को आप देख रहे हो इतने सारा, ये हमारे लिए 1 रुपया का भी नहीं है। और
बहुत कुछ है भी, बहुत कुछ है भी, क्योंकि इसके बदले में हमको दूसरा सब्जी मिल जाएगा, इसको हम एक्सचेंज करेंगे, जिनके घर ये नहीं है उनको हम देंगे, हमारे घर जो है जो नहीं है वो लोग हमको देंगे। बस यही होता है गांव में, गांव का जीवन अलग ही टाइप का है। आप लोग भी गांव में रहे होंगे तो ये सब देखते ही आ रहे होंगे। ये देखो, ये पूरा जितना पीला पूरा फूल दिख रहा है ये रखिया का है, इसके आगे कद्दू नहीं होगा, क्योंकि पूरा फूल जो है रखिया का है, तो रखिया का बेल है यहाँ पे, इसके आगे कद्दू नहीं होगा। हम इसके पीछे चलेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। तो पीछे जाते हैं, ये एक और दिख रहा है, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया, ये अंत है, दो पौधा ख़त्म हो गया। अब तीसरे के लिए जाते हैं, तीसरे में क्या है देखते हैं, मिलता है नहीं मिलता है क्या होता है। तीसरे थोड़ा पीछे है तीसरा पौधा। चलिए अब यहाँ यहाँ भी पहुँच गए हम। ये लो, एक पहला कद्दू दिख गया, ये दूसरा दिख गया, और ये तीसरा दिख गया, मतलब 38 हो गया टोटल अब तक। यहाँ पे कुछ है नहीं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ यहाँ पे है, यस यहाँ पे एक है कद्दू, ये है एक कद्दू यहाँ पे दिख गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ना, ये कुछ है नहीं है। तो दोस्तों, ये गांव की ज़िंदगी है, मज़ेदार भी है और कई बार सज़ेदार भी है। सज़ा इसलिए क्योंकि गांव में बेरोज़गारी बहुत है, लोग सोचते हैं कि खेती बाड़ी से ही कुछ नहीं होता, चलो छोड़ो बाहर निकलो काम करो, पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठने से अच्छा है कुछ कर लो। ये एक और मिला, ये हो गया आपका 40, 40, बाप रे 40 कद्दू, इतना गजब। हाँ, तो कह रहा था कि मैं कि खेती बाड़ी से इंसान लोग थोड़ा सा परेशान हैं, क्योंकि परिवार बढ़ते जा रहा है और रकबा कम होते जा रहा है खेती का, और क्या करें लोग। तो ये तो ऐसा है कि साधन उतना ही है और व्यवस्था कम है। ये तीन तोड़ के रखा हूँ, जिसके डाली टूट गया था तो